स्कूल्स बना ली, लॉ कॉलेजेस बना ली, यूनिवर्सिटीज भी बना ली, मेडिकल हब बना दिया, ऑडी का शोरूम भी बना दिया सिटी में। लेकिन सिटी का एक तरफ हम देखना ही भूल गए, वो है इंडस्ट्री एरिया। तो बहुत सारे लोग सिटी को छोड़कर चले गए, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद भी हो गए। तो आज हम ट्राई करेंगे जो लोग सिटी को छोड़कर चले गए उनको वापस लाने का, एंड इंडस्ट्री एरिया को पहले जैसे नॉर्मल स्टेट में लाने का, एंड कैंपस एरिया में भी बहुत सारे चेंजेस करेंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है सबके? आज हम आ गए हैं सिटी स्काईलाइन के एक और नए वीडियो को लेके। वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा बहुत सुंदर सा शहर, देखो ऊपर से कैसा लग रहा है, नाइट में तो बहुत सही लगता है शहर। अरे ये है हमारा टोल, लोग टोल दे रहे हैं ना, हाँ लोग बहुत सही से टोल दे रहे हैं भाई। टोल थोड़ा सा ज़्यादा रखा है मैंने क्योंकि हमें पैसा चाहिए, नए नए चीज़ें बिल्ड करना है तो पैसा की कमी नहीं होना चाहिए, इसीलिए टोल ज़्यादा रखा है। लेकिन टोल दे रहा है तो इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो ज़्यादा पैसा मिल रहा है, बहुत सही है। एंड यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखने का मन नहीं कर रहा मेरे को भाई, ये कितना सारा इंडस्ट्री खाली हो गया भाई, कितना सारा इंडस्ट्री खाली हो गया। पहले एकदम सब चलता था, सारा काम करता था, अभी बीच बीच में एक आध जो मिलेगा चल रहा है, बाकी सब खाली। यहाँ पे देखो इसके बीच में खाली है ना, टोटल खाली है, कितना बुरा लग रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, लोग आ नहीं रहे, एंड हायर एजुकेशन का प्रॉब्लम, मतलब वर्कर्स नहीं मिल रहा। यहाँ पे देखो एक चल रहा है बीच में, कितना अच्छा इंडस्ट्री है भाई, बीच बीच में चल रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा खाली है, लेकिन सही है। चलो लैंडफिल साइट को खाली करने देते, इसको भी खाली कर दो, इसको भी कर दिया, चलो डन। अभी यहाँ पे ध्यान देंगे आज इसको नॉर्मल स्टेट में ला के रहेंगे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या हाल है सिटी का, इंडस्ट्री नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, तो इसका टैक्स कम करते हैं, पहले 5 से 1 करते हैं, कोई टैक्स भी नहीं लेंगे, आओ जाके इंडस्ट्री ओपन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनका टैक्स लेंगे हम हायर डेंसिटी रेजिडेंशियल से एंड कमर्शियल से, एंड ऑफिस से भी लेंगे, ऑफिस अभी है नहीं हमारा तो ऐसा कोई बात नहीं। सही है, टैक्स भी 0 करते हैं, मतलब 1% तो चाहिए होता है चलाने के लिए। इनको रीओपन कर देते हैं, इसको भी रीओपन कर देते हैं, चलो डन। इसका ही प्रॉब्लम आएगा बाद में, ये लैंडफिल साइट मुझे बहुत दुख देगा बाद में, इनके लिए मुझे एक जगह डिफाइन करने पड़ेगा बहुत सारा। एक तो खाली हो गई जगह, लैंड वैल्यू गिरा दिया इन्होंने, ऊपर से इतना सारा अबैंडन बिल्डिंग पहले से है, तो लोग जो आएंगे उनको इसको तोड़ के फिर से बनाना होगा, तो बहुत कॉस्ट पड़ जाएगा। तो इनमें से थोड़े थोड़े बहुत को तोड़ देता हूँ मैं, थोड़े थोड़े को तोड़ दूंगा मैं, सबको नहीं तोड़ूंगा, थोड़ा बहुत तोड़ दूंगा कि लोग आए। तो इसको भी तोड़ दिया, नाइस, इतना ही रहने देते, बाद में देखते ज़रूरत पड़ी और तोड़ेंगे, कोई सीन नहीं, तोड़ने में तो माहिर है, माहिर है हम। सिटी देखो भाई, सिटी कैसा लग रहा है, बहुत सही लग रहा है सिटी, क्या ओपी है ना। अभी ये साइड मैं अब पूरा तोड़ने वाला हूँ, एंड लॉ कॉलेजेस को नया एरिया देने वाला हूँ, कैंपस में ही रहेंगे लेकिन एरिया देंगे। यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी है भाई, लेके जाओ ब्रो, लेके जाओ यार, यहाँ पे इस साइड है ना, यहाँ पे है, उधर से यहाँ पे आने के बहुत टाइम लग जाएंगे, तो रुको थोड़ा सा, आ रहे आ रहे। जो मैं बोल रहा था, इसको मैं तोड़ूंगा, तोड़ के नया बनाऊंगा पूरा, मतलब एरिया नया बना दूंगा मैं, रहेंगे एक ही साथ लेकिन लगेगा कि लॉ कॉलेजेस है। यहाँ पे क्या हुआ भाई, इतना खाली क्यों है, यहाँ पे अलॉट नहीं किया था मैंने, इतना खाली तो होना नहीं चाहिए, नहीं यहाँ पे है तो पूरा सारा, लेकिन ये जगह खाली अच्छा नहीं लग रहा। एक रोड बना दूंगा शायद से, फिर मैं इसको लाइन देख के कोई फ़ायदा है नहीं, इस पर एक रोड बनाते हैं, एक कार्व सा रोड बना दूंगा मैं, डन। चलो इसको रोड तो बना दिया मैं, अब इसके साइड बाय साइड सब अलर्ट कर देते हैं कि लोग घर बनाए, इसको भी कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो, इसको, इसको भी। एंड यहाँ पे एक वॉकिंग रोड आएगा जो कि मेन रोड से कनेक्ट करेगा, जो लोग पैदल आना चाहते हैं वो लोग आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बस पकड़ ले। यहाँ पे पैदल से रोड देगा, मेन रोड से जोड़ दो, नाइस डन भाई। घर टूट गया, नया घर बनाया होगा शायद, क्योंकि रोड के पास कौन तोड़ता है,
भाई साहब मैं बताऊँ, अलॉटेड है ना? हाँ अलॉटेड भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नया घर बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आते इस तरफ, इसे मैं पहले तोड़ूंगा उसके बाद बनाऊंगा। तो गाइज मैंने तोड़ लिया, अभी यहाँ पे हम लॉ कॉलेज बनाएंगे। देखो एक सिंगल सा रोड दे दिया मैंने जो कि यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कोई जैम नहीं होगा, मतलब सही हो जाएगा क्योंकि कॉलेज एरिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनको हटाते हैं, लाके यहाँ पे रखते हैं, तीनों को एक साथ रखेंगे, तीनों को लेते हैं, इसको भी लो इसके साइड में, इस साइड में डन, इसको भी लेके आओ इधर, डन। बहुत सही, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आएगा अभी क्योंकि सिटी के दूर है तो प्रॉब्लम आ सकता है, अभी नहीं देते, अभी पॉज करते सिटी को, फिर जाके देंगे। लोग पैदल जा रहे, देखो रुको बेटा, करते कम प्रबंध करते हैं, अभी नए नए बिल्डिंग बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं। इस साइड एक बैठेगा, यहाँ पे एक बैठना चाहिए, दूसरी तरफ एक बैठेगा, लेकिन वहाँ पे रोड देना होगा, रोड का कनेक्शन दे दीजिए, एकदम सीधा रोड चाहिए हमको, इसको पूरा लेके जाके इस इधर, नाइस। अच्छा इस साइड बिठाते हैं, एक और एक ऑफिस है लॉ कॉलेज का, अभी इधर भी आएगा, इस तरफ भी आएगा, बहुत सही लग रहा है। रोड इसके बीच में देखते हैं, यहाँ पे और चार बैठेंगे, ये जो है ना ये चार बैठेगा, तो उसके लिए जगह छोड़ के हमको रोड बनाना होगा, तो चार छोड़ के हम रोड बनाते हैं। डन, यहाँ पे ये भी बिठा देते हैं एक बार में, फिर उस तरफ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस तरफ मुंह करके चार बैठेगा, गुड। देखो कैसा लग रहा है, आ रहा है लुक, आ रहा है ना, बहुत सही लगेगा, बहुत सही लगेगा कसम से, देखना। अब इस तरफ की बारी, इस तरफ एक बैठेगा एंड इस तरफ एक बैठेगा। ये डिविजन है गाइस, मतलब लोग जो अलग अलग डिविजन बना दिया मैंने यहाँ पे, मेन बिल्डिंग तो तीनों है, बाकी यहाँ पे लोग और कुछ पढ़ सकते हैं लॉ के अंडर। चलो इधर भी दे दो, इसको भी दे दो, इसको एंड इसको, चार बना दिया। उनको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा नहीं तो बहुत पास पास हो जाएगा। इसको रोड की थोड़ा इस तरफ दे देते भाई, इधर आ जा, गुड। इसको भी नाइस, बहुत सही लग रहा है कसम से, बहुत सही लग रहा है। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इनको देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी, पार्किंग भी करना होगा हमको, तो बहुत सारे काम करना होगा, लेकिन अभी से ही ऐसा लग रहा है, सोचो मतलब फुल बिल्ड होने के बाद कैसा लगेगा, बहुत सही लगेगा। रोड बढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे पहले तो, डन। एंड यहाँ पे बैठेगा हमारा पार्किंग, इसको उठाओ, इसको उठा के इस तरफ बिठाओ, उस साइड, गुड। एंड एक और है ना, अरे इसका गाड़ी छोड़ो पे लो, एंड यहाँ पे गुड। एंड एक और बड़ा सा पार्किंग यहाँ पे बैठेगा, उसको भी बैठाना होगा हमको, अभी से ही कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। इन रोड को तोड़ देता हूँ, नाइस नाइस। चलो इस रोड को इसके साथ अटैच कर देते हैं, तो बीच में जगह खाली हो गया, तो दो रोड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वन वे कर दूंगा, एक से आएगा नीचे एक से ऊपर जाएगा, तो और भी मज़ा आएगा, लेकिन वो बाद में करूँगा मैं। एक बड़ा सा पार्किंग लेके इस साइड एक बिठा था, गुड। एंड इधर भी एक बिठा देते, हो जाएगा ना, नाइस। पार्किंग का आई होप से हो गया, शायद खत्म है, गुड। पार्किंग भी दे दी, बहुत सही। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ला दो पहले तो, इलेक्ट्रिसिटी भैया आ जा, गुड। सिटी पे इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया, अब देखते कैसा सा लग रहा है, बहुत सही लगेगा कसम से। तो और भी चीज़ें करना है इधर, एक और सरप्राइज है, वो भी बहुत सही लगेगा, देखो कैसा लग रहा है, बहुत सही लगेगा, पीछे से भी सुंदर लग रहा है, घूम के आ सकते हैं, नाइस। कैसा लग रहा है आप लोग बताना गाइस, कमेंट करके बताना आप लोग को कैसा लग रहा है, अभी तक कैसा लग रहा है ये बताना, बाद में तो और एक चीज़ ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे मैं, तब तो और सही लग जाएगा।
चलो इधर इस रोड को भी कनेक्ट कर देते हैं एंड इधर से भी कनेक्ट करेंगे हम। नो नो टेढ़ा हो रहा है, इसको ले लो। गुड, इधर से पूरा सीधा आ जाएगा। नाइस, इनको पूरा आ जाएगा ना, शायद से आ जाएगा। गुड, हो जाना चाहिए। अब इसको ले ली, इलेक्ट्रिसिटी ले ली। गुड, बहुत सही बहुत सही। बारिश में भी ऐसा समझ जाता है। अभी बीच में बैठा गया एक फुटबॉल ग्राउंड जो कि कॉलेज का स्टूडेंट के लिए है, सब खेल सकते हैं, ऐसा सा एकदम बीच में बिठाऊंगा। वो जो लगेगा ना रात में इतना सही लगेगा, दिन में देखना बहुत सही लगेगा। अभी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आया तो भी बहुत सही लग रहा है, बीच में एकदम नाइस। दिन में बहुत सही लगेगा बता रहा हूँ मैं। इस साइड का क्या हाल है? कोई आया? कोई नहीं आया। अभी इसके साइड में थोड़ा पेड़ लगाएंगे, थोड़ा और सुंदर लगेगा, फिर और मजा आएगा। चारों साइड लगा, दोनों साइड लगाता हूँ मैं, इधर से पूरा रेलिंग करके। पेड़ लगाओ। चलो पेड़ लगा दिया भेड़ू, देखो कैसा लग रहा है। आई होप सही लग रहा है। दोनों का एरिया मतलब सारे स्टूडेंट खेल सकते हैं, ऐसा सा मुझे तो बहुत सही लग रहा है। बहुत ओके, बहुत ओके। दिन में और सही लगेगा, कसम से और सही लगेगा। इनके साइड में छोटे छोटे दुकानें कर देते हैं, कॉलेज है भाई जान। चलो दुकानें बिल्ड भी हो, स्टार्ट हो गया। वाटर कनेक्शन तो है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलो छोटे छोटे शॉप्स बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। एंड इस साइड में थोड़ा वॉकिंग रोड बना दूंगा कि लोग स्टूडेंट्स आके बैठे, थोड़ा कपल्स ऑफिस आके बैठे, स्टूडेंट से मज़ा आना चाहिए बस। कॉलेज आ जाए एंड मज़ा करे। अभी से कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। चलो अभी इस साइड हम थोड़ा वॉकिंग रोड बनाएंगे जो कि और सही लगेगा। एक वॉकिंग रोड कहाँ पे आ गया वो, ले लिया। चलो सीधा नहीं आएगा भाई, थोड़ा टेढ़ा बनाएंगे ऐसे, थोड़ा टेढ़ के यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा टेढ़ा बना दो। नो 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 नो, हाँ अब मजा आएगा। गुड, इसको रोड के साथ कनेक्ट, नाइस। एंड इस साइड भी थोड़ा टेढ़ा, गुड। एंड इसको गुड, ये भी रोड का कनेक्शन मिल गया इसको। इधर भी एक रोड का कनेक्शन आना चाहिए एंड उधर से एक और जाना चाहिए जो कि उस रोड से कनेक्ट होगा। लोग पैदल कहीं भी जा सकता है। एक और होगा जो इस साइड कनेक्ट होगा, सीधा ही कर दो भाई, हो जा मेरे भाई, डन। अब बीच में थोड़ा स्ट्रीट लाइट लगाएंगे एंड थोड़ा बैठने का जगह बना देंगे कपल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, मतलब होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। या फिर थोड़ा सा स्ट्रीट लाइट लगा दो, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक और लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया। चलो अभी थोड़ा बेंचेस लगा दूंगा मैं, डन, बेंचेस लगाऊंगा अभी यहाँ पे, बहुत सारे लगा दूंगा तो मज़ा आएगा। चलो लास्ट बेंच यहाँ पे भी बिठा दिया, कितने सारे आ गए ना, बहुत सही लगेगा पता है। इस साइड का तो हो गया कॉलेज एरिया, इस साइड कोई आया बे? इनफ वर्कर्स ही नहीं है भाई, बसेस का कनेक्शन दो फिर, लोग आ नहीं रहे, स्टॉपेज बढ़ाना पड़ेगा हमको। यहाँ पे एक और देते हैं, इस साइड भी, यहाँ पे भी एक देते हैं, इनको नीचे से रोड भी चाहिए, इस साइड भी आने दो नहीं तो यहाँ पे लोग नहीं आएंगे। इधर भी एक आना चाहिए स्टॉप, यहाँ पे भी एक स्टॉप लगा दिया, थोड़ा एक स्टॉप यहाँ पे भी, गुड। एंड यहाँ पे भी इस साइड भी लगा दिया, नाइस। आई होप अब आ जाना चाहिए वर्कर्स को, अब नहीं आया तो फिर तोड़ना ही पड़ेगा मेरे को। कितना बुरा लग रहा है भाई, कितना बुरा लग रहा है। सिटी ऑलमोस्ट सब सही है, कोई दिक्कत है नहीं सिटी में। अब देखना कैसा लग रहा है।
फुटबॉल ग्राउंड एंड कॉलेज बहुत सही लग रहा है। यहाँ पे कॉलेज आएंगे, यहाँ पे लॉ कॉलेजेस एंड बीच में फुटबॉल ग्राउंड एंड यहाँ पे थोड़ा अपार्टमेंट्स बना दूंगा मैं, ताकि जो स्टूडेंट्स दूर से आ रहे हैं ना वो रह सके, उनके रहने के लिए जगह भी हो जाएगा। फुल हाई डेंसिटी एरिया बना दो, इस साइड बना दो। वाटर कनेक्शन तो सारे है ना, सारे कंप्लीटेड है। कैसा लग रहा है कैंपस एरिया बताना, ज़रूर बताना गाइस कमेंट करके, मैं वेट करूँगा। एंड इस साइड भी बना दो यार, इस साइड भी बना दो। घर बनना स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, डिमांड आई है ना, तो कोई सीन नहीं है। आई होप सही लग रहा है बहुत, कैंपस एरिया तो जम गया हमारा। देखो डन, सारे घर बन गए। इस साइड क्या हो रहा है भाई, इसको रीओपन करो, इसको भी कर दो, अपेक फील हो गया, इसको कर दो एम्प्टी करने के लिए। डन, यहाँ पर मुश्किल ही तोड़ना पड़ेगा पूरा, नहीं तो नहीं होगा। तो सारे तोड़ दिया मैंने, अब शायद से लोग आए एंड लोगों को जगह मिले नए नए बिल्डिंग्स बनाने का। पर प्रॉब्लम्स आ रहा है बस वर्कर्स का, वर्कर्स आ नहीं रहे, क्यों नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं। देखो एक नया बिल्ड हुआ, लोग आ रहे हैं नए लोग, लेकिन वर्कर्स आ नहीं रहे, तो वो लोग बंद करके चले जा रहे हैं, जो कि बहुत बुरा है। इसको भी करो। तो इस साइड मुझे कुछ बनाना होगा पार्क वर्क, कि लोग यहाँ पे आए, जब लोग आएंगे तो वर्कर्स भी आएंगे उनके साथ। इस साइड भी बसेस का आइडिया दे देते हैं, नहीं तो नहीं आएगा। कॉलेज एरिया है भाई, बस आना चाहिए, ये दूर से ट्रैवल कर रहे हैं उनको तो मज़ा आना चाहिए फिर। एंड इस साइड भी आना चाहिए फिर, इसको सीधा यहाँ पे एक स्टॉप लगा दो। गुड, एंड इस एंगल पे भी नहीं है ना, इस एंगल पे भी आना चाहिए फिर, घूम के जाना चाहिए। नाइस, सारे खुश। इस साइड का क्या हाल है, बिल्डिंग्स बन रहा है लेकिन नॉट एनफ एडुकेटेड वर्कर्स, एडुकेटेड तो नहीं है, वर्कर्स का ही प्रॉब्लम आ रहा है। पहले था एडुकेशन का प्रॉब्लम, अब तो शायद से ख़त्म हो गया। देखो इसको भी खाली कर दो। अभी मैं इस साइड को बढ़ा के सिटी को थोड़ा एक्सपेंड करूँगा, नहीं तो सिटी में डिमांड बहुत ज़्यादा है लोगों का, कि लोग आना चाहते हैं, लोग नहीं आ रहे इसीलिए इंडस्ट्री एरिया में कोई नहीं आ रहा। जब लोग आएंगे पैसे के लिए जाएंगे इंडस्ट्री एरिया में तो मज़ा आएगा। इसको 6 लेन बना दूंगा, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, फिर इसको अपग्रेड भी कर दूंगा मैं 6 लेन में, ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। डन, बना दिया 6 लेन बना दिया, बहुत सही से ये दोनों को कनेक्ट कर दूंगा मैं यहाँ से, लेकिन अब तो सही लग रहा है मुझे ऑलमोस्ट। इस पे बना लेता हूँ मैं, उसके बाद मिलते गाइस। तो लेआउट कुछ ऐसा सा बना, आउटसाइड 6 लेन बना दिया, बीच में जो मोटर रोड है वो 4 लेन का है, उसके बाद 2 लेन, ताकि ट्रैफिक जम हो ही ना। मतलब अब वाटर कनेक्शन देंगे हम, फिर वहाँ पे बना देंगे। मैं अंदर की तरफ बनाऊँगा हाई डेंसिटी जोन एंड रोड के साइड बनाऊँगा मैं लो डेंसिटी, तो देखने में और मज़ा आएगा मुझे जो लगता है। अभी के लिए तो वही प्लान है मेरा, बहुत प्लान सीखिए यहाँ पर, बहुत सही लगना चाहिए यहाँ पे। चलो वाटर का कनेक्शन तो दे दिया, अभी जोन डिसाइड करना है। बीच की तरफ बोला मैंने हाई डेंसिटी बनाऊंगा एंड बाहर की तरफ मैं लो डेंसिटी बनाऊंगा, देखने में बहुत सही लगेगा, आई होप सो। यहाँ पे भी दे दिया, चलो लेआउट कुछ ऐसा सा बना एंड देखो बिल्डिंग बना, मतलब बिल्डिंग बनना स्टार्ट भी हो गया, टाइम नहीं दे रहे लोग, इतना हाई डिमांड है सिटी का, इतना सही से चल रहा है, बहुत सही। और मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी दे दिया एंड यहाँ पे बनेंगे, डिमांड थोड़ा ज़्यादा आएगा तो बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना सारा बिल्डिंग बन गया भाई, देखने में बहुत सही लग रहा है, एक अच्छा सा कॉलोनी बन गया, छोटा छोटा घर भाई। ये रहा इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे बसेस का लाइन भी दे दिया मैंने, पूरा सब डन। यहाँ पे लोग बस रहने आ जाए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, वाटर इलेक्ट्रिसिटी बस का प्रॉब्लम कुछ नहीं है, शांति से रहे बस। बगल में ही मतलब यूनिवर्सिटीज है, तो पढ़ने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेडिकल अब थोड़ा दूर है, उसके साथ कनेक्ट कर देंगे हम, ऐसा कोई बात नहीं है।
बाद में। कैसा लग रहा है बताओ गाइस, बताना। अभी इस साइड एक पार्क बनाऊंगा, क्योंकि इस साइड ना लैंड वैल्यू बहुत गिर गया है। जो लोग चले गए ना, उससे जो टूरिस्ट भी आ रहे हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं कि मज़ा नहीं आ रहा सिटी में। तो पार्क बनाते तो लोग शायद से आ जाए। एंड पार्क के साइड में 2-3 कमर्शियल जोन भी बना दूंगा मैं, छोटे छोटे शॉप आ जाए तो मज़ा आ जाए। यहाँ पे देखो एक फोर्ड का शॉप भी खुल गया, देखो यहाँ पे बहुत सही से। सिटी में कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस एक ही प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे डेड बॉडीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है। देखो फिर से लोग चले गए यार, लोग इंडस्ट्री बनाना नहीं चाहते क्या वहाँ पे? तो पुराने लोग जा रहे हैं पता है, क्योंकि कस्टमर्स नहीं आ रहे, कस्टमर्स मतलब वर्कर्स नहीं आ रहे, इनको सबको तोड़ना होगा मुझे, नहीं तो नहीं होगा। एक एक करके सबको तोड़ना होगा। चलो मैं ना यहाँ पे एक सीमेट्री बना देता हूँ मैं, क्योंकि लोग बहुत सारे डेड बॉडीज मतलब ला नहीं रहे, तो उससे सिटी का वैल्यू गिरता है। 3 बनाऊंगा मैं यहाँ पे, इसको थोड़ा हटा देता हूँ। डेड बॉडीज जितना घर में रहेंगे ना, उतना नेगेटिव रिव्यू पड़ेगा, तो टूरिस्ट भी आएंगे तो बोलेंगे कितना गंदा सिटी है। तो सिमेट्री सही होना चाहिए। तब तो 3 बना दिया, मेडिकल हब के बगल में वाटर का कनेक्शन दे दो भाई इसको, इस साइड से देते हैं। नाइस, कितना सही से कनेक्शन तो आ जा मेरे भाई वाटर का। बाकी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम है। चलो जा रहा है, गुड। इसमें आ रहा है गार्बेज का प्रॉब्लम। गार्बेज का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको एक रोड चाहिए सीधा, एक सीधा रोड चाहिए इसके बगल में, पूरा उस तरफ जाएगा। इसको बना लेता हूँ मैं। चलो इसको बना भी लिया एंड 6 लेन भी कर दिया, हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं ताकि डायरेक्ट आ सके गार्बेज कार्ट्स, कचरे वाला। अपग्रेड करोगे इसको 6 लेन में, डन। बहुत सही, उस तरफ जा भाई, उस तरफ बहुत सारा कचरा है, जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लोग जाएंगे। यहाँ पे बहुत सही लग रहा है सिटी, कैसा लग रहा है आप लोग बताना गाइस, ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं वेट करूँगा आपका कमेंट का। देखो यहाँ पे इसको तो कोई लाजवाब है, क्या लग रहा है कैंपस, बहुत सही। फुटबॉल फील्ड भी बहुत सही लग रहा है, क्या लग रहा है, ओपी लग रहा है। ये हमारा लाइब्रेरी, कचरा भाई कचरा ले लो यार। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हद तक कम हो गया है, बहुत कम हो गया मतलब ऑलमोस्ट, मतलब लोग कर रहे हैं, सारे बिल्डिंग्स चालू है, नॉर्मल स्टेट में आ रहे हैं। इसको चलो इसको ओपन कर देते हैं, 2-3 ही बिल्डिंग है जो कि खाली है, जो पुराने हैं, बाकी आ रहे हैं, देखो बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा इंडस्ट्री बिल्ड हो रहा है, इसके बगल में एक और हो रहा है, मतलब लोग आ रहे हैं। ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया हमने, टाइम लगेगा इनको आने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिटी बहुत सही लग रहा है, इसको ही बना दिया हमने आज। यहाँ पे आग लग गई भाई, लो यहाँ पे आग लग गई। एंड सिटी में से फायर ब्रिगेड को आने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फायर ब्रिगेड पुलिस स्टेशन को कुछ भी नहीं बनाया। यहाँ पे फायर ब्रिगेड बना देते भाई, फायर स्टेशन, पहले PD बनाएंगे, PD बना दो यहाँ पे, एंड एक फायर स्टेशन बनाना होगा ताकि जल्दी आके बुझा दे भाई, नहीं तो पूरा घर जाएगा, पूरा घर जाएगा आग में। इसको इस तरफ बना दो, डन। फायर ब्रिगेड आ भी गया एंड बुझा भी दी, नाइस। यहाँ पे बहुत सही चलेगा, कैसा लगा बताना, बहुत सही बहुत सही, कितना सुंदर लग रहा है। तो आज हमने सिटी को एक्सपेंड किया, थोड़े बहुत सिटी के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना उसको दूर किया, इंडस्ट्री एरिया को एक हद तक नॉर्मल स्टेट में ला दी, मतलब नए नए लोग आ रहे हैं, नया बिल्डिंग्स बन रहे हैं तो हो जाएगा नॉर्मल स्टेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैंपस एरिया को रिनोवेट कर दिया, नए नए बिल्डिंग्स को ऐड कर दी, एक नया फुटबॉल ग्राउंड बना दिया। बाकी हमको सिटी में एक ऑफिस एरिया बनाना है, क्योंकि जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं ना, उनको जॉब भी तो देना है ना बॉस, तो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड कमेंट करके बताना
कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कैसा लगा बिल्डिंग्स बताना गाइस, एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गेम्स खेलते रहो एंड मज़े करते रहो।